प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष फिर से ऑनलाइन वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। ये मैं पहले भी आपको बताती थी, आप भी आज भी बता रही हूँ कि ये कक्षा 9 एवं 11th के लिए है। तो देखिए सर, हर चीज़ें बताना संभव नहीं है इस ऑनलाइन मतलब वीडियो में या इस वीडियो में। जो ऑफलाइन होता है उसमें कुछ वही होता है, तो हम ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कुछ विशेष बातें बताते हैं, जैसे उस दिन माइटोकांड्रिया, इन सब चीज़ों के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जंतु एवं ये सारा चीज़ बता दिए थे। तो आप उसी क्रम में हम चल रहे हैं, माइटोकांड्रिया फिर केंद्रक हो चुका था, आज हम किसके बारे में लेकर आए हैं, लवक के बारे में। तो लवक देखिए, आइए विचार करते हैं इस पर, लवक क्या होता है। तो देखिए लवक जो होता है, इसके नाम से वर्णक, नाम वर्णक रंग को प्रदान करने वाला लवक प्लास्टिड, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, कलर को प्रदान करने वाला अर्थात रंग को देने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, लवक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लवक पौधों में, पौधा तो जानते ही है, लवक पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष वर्णक है, पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष वर्णक है, अर्थात ऐसा पदार्थ उपस्थित होता है पौधों में जो उनको कलर प्रदान करता है। कलर प्रदान करने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। तो पौधों में लवक जो होता है, पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष वर्णक है, जिनके द्वारा पौधों में फल फूल तथा पत्तियां रंगीन दिखाई देती है। जैसे आप कहें हम गुलाब का फूल लाल क्यों दिखता है, गुड़हल का फूल भी लाल क्यों दिखता है ना, तो जो फूल तरह तरह के रंगीन दिखाई देते हैं, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, इन सब का कारण क्या है, वर्णक ही है। तो इसमें एक बार फिर से देखते हैं, लवक पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष वर्णक है, जिसके द्वारा पौधों में फल फूल एवं पत्तियां रंगीन दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त यह पौधों में भोजन निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर हम कहें आम का फल पक जाने के बाद वो पीला हो जाता है, अमरूद जब वो होता है तो हरा हो जाता होता है ना, तो तमाम प्रकार के फल हैं और पत्तियां हैं और फूल हैं, ये सब कलरफुल दिखाई देते हैं। इन सब का कारण क्या है, लवक है। तो लवक पौधों में कलर प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, इतना समझ में आ गया। अगर आगे चले तो प्लास्टिक की खोज जो है 1885 ईस्वी में सिंपर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, सिंपर नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे जब वो थे, उस समय था 1885, उन्होंने अपने शोध अथवा खोज के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर ये लवक की खोज की थी। और अगर आगे हम बताएं तो ये लवक जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो, क्रोमोप्लास्ट जिसको हम रंगीन लवक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं वर्णी लवक, क्या कह सकते हैं, वर्णी लवक, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत अथवा रंगहीन लवक अर्थात अवर्णी लवक। तो रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, रंगहीन अर्थात अवर्णी लवक, अवर्णी जो कलर को न दे। जैसे जड़ों में कौन सा लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक, आलू में कौन सा लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक, क्योंकि आलू सफेद होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता ना। तो पौधों की जड़ों में जो पाया जाता है लवक, उसका क्या नाम है, तो हम बताएंगे ल्यूकोप्लास्ट। और जैसे फल फूल पत्ती इन सब में अगर हम बात करें तो कैसा होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लवक। जो वर्णी लवक भी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, लवक, मतलब लवक ही है, जो जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया हरित लवक, कोशिकांग है, और क्लोरोफिल वर्णक है, जब पत्ती क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है तो वो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। बहुत सारे लोग पूछते भी है कि जो पत्तियां हमें हरी क्यों दिखाई देती है, तो अगर जीव विज्ञान की भाषा में कहें तो क्या होता है, जीव विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे वो हरित लवक यानी क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अगर वही विज्ञान की भाषा में, साइंस की, उसमें फिजिक्स की भाषा में चले जाएंगे तो वहां पर अलग हो जाता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग में से सारा रंग अवशोषित कर लेता है, केवल हरे रंग को छोड़कर, इसलिए पत्तियां क्या दिखाई देती, हरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो लवक होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, या हम कहें श्वेत अथवा रंगहीन लवक। आगे चले, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में अभी हम बताया वर्णी लवक, तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाए उस
तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसको हम कहेंगे हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे जो जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगर इस जैव परिभाषा दी जाए तो उसका मतलब ये है कि पौधे वायुमंडल से प्राप्त CO2 तथा जड़ों से प्राप्त जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर था लवक के बारे में। लवक पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष वर्णक होता है जिनके द्वारा पौधों में जो फल फूल ये पत्तियां होती हैं हरी दिखाई मतलब रंगीन दिखाई देती हैं और इसके अतिरिक्त यह पौधों में भोजन निर्माण में भूमिका निभाता है। फिर जो लवक होती है उसकी खोज 1885 में सिंपर नाम वैज्ञानिक ने की थी। और लवक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, रंगीन लवक या वर्णीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हम कहते हैं श्वेत या अथवा रंगहीन अर्थात अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ों पौधों की जड़ों में, आलू में, इन सब में पाया जाता है। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उत्तरदायी होता है। तो इसके आगे हमें हरित लवक विशेष रूप से पढ़ना है। हरित लवक क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, ना हरित लवक की संरचना कैसे दिखाई देती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ग्रेनम क्या है, थैलाकोइड क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है, तो इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक रखते हैं कि धन्यवाद।